नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के विभिन्न छठ घाटों का लिया जायजा, प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्टीमर से पटना के विभिन्न छठ घाटों का जायजा लिया। छठ महापर्व के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नसरीगंज से लेकर पटना सिटी तक के छठ घाटों का निरीक्षण किया और छठ पर्व में शामिल लोगों का अभिनंदन किया। छठ घाटों के निरीक्षण के बाद सीएम नीतीश ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि छठ पर्व में शामिल सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं। हमें खुशी हुई है कि इतनी संख्या में लोग छठ व्रत में शामिल हुए। जिला प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां की गई है वह संतोषजनक रहा। छठ घाटों पर बेहतर इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने 3 बार आकर यहां की तैयारियों का जायजा लिया। छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल कोरोना के कहर को देखते हुए लोग इस पर्व को ठीक से मना नहीं पाए थे। बिहार से लेकर मलेशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में महापर्व छठ की धूम। डूबते सूर्य को छठ व्रतियों ने दिया अर्घ। लोक आस्था का महापर्व छठ की छटा अब बिहार के साथ साथ मलेशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में देखी जा रही है। बुधवार को जब हिंदुस्तान में दोपहर के करीब 12 बज रहे थे, तब ऑस्ट्रेलिया में सूर्यास्त की बेला हो गई। बेगूसराय के नीरज कुमार दास ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में जब अस्तचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ दिया, तो वहीं अमेरिका में भी अर्घ दिया गया। इस मौके पर अमेरिका के गृह राज्य मंत्री, कई सांसद समेत बिहार और झारखंड के 500 से अधिक लोग जमा हुए और सपरिवार सूर्य देव की आराधना की। उद्योगपति नीरज कुमार दास ने बताया कि उगते सूर्य की उपासना तो संसार की विधान है, लेकिन हम भारतीय ही अस्तचल सूर्य की भी आराधना करते हैं और वो भी उगते सूर्य से पहले। उद्योगपति नीरज कुमार दास ने बताया कि अगर उदय का अस्त भौगोलिक नियम है तो अस्त का उदय प्राकृतिक और आध्यात्मिक सत्य, प्राकृतिक के अंतिम स्वरूप और ऊर्जा का अक्षुण्य स्रोत सूर्य की आराधना का महापर्व छठ पूजा है। हम बिहार के लोग दुनिया के चाहे जिस भी हिस्से में चले जाएं, अपनी संस्कृति को नहीं भूल सकते। छठ को लेकर भारत नेपाल बॉर्डर पर भी बड़ी चौकसी जारी है, ज्वाइंट पेट्रोलिंग। छठ महापर्व को लेकर भारत नेपाल बॉर्डर पर खास चौकसी बरती जा रही है। बॉर्डर पर तैनात SSB अलर्ट है। बॉर्डर पार करके आने जाने वाले दोनों देशों के नागरिकों की SSB की ओर से बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। नेपाली EPF के साथ भी ज्वाइंट पेट्रोलिंग जारी है। छठ पर्व में बड़े पैमाने पर दोनों देशों के नागरिक अपने अपने कार्य से एक दूसरे के देश असामाजिक तत्व घुसपैठ नहीं कर सके, इसको लेकर SSB मुस्तैदी के साथ बॉर्डर पर गश्त कर आने जाने वालों की जांच पड़ताल कर रही है। भारत और नेपाल सीमा पर खुले बॉर्डर की सुरक्षा SSB के लिए चुनौती है। बता दें कि भारत नेपाल का बॉर्डर मधुबनी के अंतर्गत करीब 66.5 किलोमीटर पड़ता है। दोनों देशों के नागरिकों का आना जाना लगा रहता है। खुले बॉर्डर होने के कारण गांजा, अफीम, चरस, हेरोइन, गोला, शराब, बंदूक और अन्य प्रतिबंधित चीजों की आवाजाही का खतरा बना रहता है। SSB पूर्व में कई बार गांजा और अन्य मादक पदार्थ जब्त कर चुकी है। बॉर्डर से असामाजिक तत्वों को भी जवानों ने गिरफ्तार किया है। बिहार में प्रसिद्ध सोनपुर मेले के आयोजन पर संशय बरकरार, लोग तैयार लेकिन प्रशासन बना मौन। बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले का आयोजन इस साल होगा या नहीं, इसे लेकर संशय बरकरार है। कोरोना महामारी के कारण बीते साल मेले का आयोजन नहीं हो सका था, वहीं इस साल लगातार दूसरी बार इस एशिया में फेम हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला के लगने पर संशय बरकरार है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले मेला में अब मुश्किल से 10 दिन बचे हुए हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर न कोई तैयारी है न सरकारी स्तर पर इस मेले के आयोजन की घोषणा हुई है। वहीं इस वर्ष मेले के आयोजन को लेकर स्थानीय लोग आक्रोशित हैं और इस साल हर हाल में मेले के आयोजन का संकल्प ले चुके हैं। स्थानीय लोग सरकारी स्तर पर मेले के आयोजन की मांग के लिए संघर्ष के साथ साथ अपने स्तर से निजी जमीन में मेला लगाए जाने की घोषणा कर चुके हैं। इसे लेकर विभिन्न दुकानदारों को आमंत्रित भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि सोनपुर क्षेत्र के लकड़ी बाजार हो या लोहा बाजार या कश्मीरी मार्केट हो या बुलेन मार्केट या घोड़ा, गाय व
बकरी, बैल आदि बाजार ये निजी जमीन में ही लगती है। सरकारी जमीन जिसे नखास के नाम से जानते हैं और मेला का हाट एरिया बोला जाता है, वहाँ सरकारी व निजी कंपनियों का स्टॉल व थिएटर आदि लगते हैं। बताते चले कि हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला की आयोजन की मांग को लेकर ग्रामीण यहाँ दो दो बार महाधरना दे चुके हैं। वहीं सरकार के विभिन्न मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से लगातार गुहार लगा रहे हैं। स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूड़ी से भी मिले हैं और साथ में मेले की आयोजन न होने पर सवाल उठा चुके हैं। वहीं मेला के लिए सोनपुर क्षेत्र के लोग करो या मरो के लिए तैयार हैं। अनुमति न मिलने की स्थिति में व्यापक जन आंदोलन की जमीन भी तैयार हो रही है। क्या पटना में पार्किंग माफिया का खेल खत्म होगा? निगम का दावा, 37 जगहों पर स्मार्ट पार्किंग मिलेगी। पटना में जल्द ही पार्किंग माफिया का खेल खत्म होगा, यह दावा पटना नगर निगम कर रहा है। निगम के अनुसार पटना को जल्द ही 37 जगहों पर स्मार्ट पार्किंग की सुविधा मिलेगी। इसको चलाने की जिम्मेदारी एजेंसी को दी जाएगी। सशक्त स्थायी समिति ने इकरारनामा की स्वीकृति दी है। बता दें कि स्मार्ट पार्किंग में सीसीटीवी बूम बैरियर लगे रहेंगे, डिजिटल बुकिंग की सुविधा होगी, घर से निकलने से पहले पार्किंग में जगह बुक करने की सुविधा होगी, अन्य पार्किंग स्थल गैर कानूनी घोषित किए जाएंगे, निगम नियंत्रण कक्ष से सभी पार्किंग पर नजर रखी जाएगी। जाहिर है कि बेहतर सुविधाओं के लिए लोगों को शुल्क भी अधिक देना होगा, हालांकि इसकी दर अभी सामने आना बाकी है। बिहार में कोरोना काल के दौरान हुई बड़ी लापरवाही, खराब मास्क और घटिया पीपीई किट से गई डॉक्टरों की जान। बिहार में कोरोना महामारी के दौर में आम लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की भी जान गई है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की मौत का कारण जानने के लिए आईएमए की टीम लगातार जाँच में जुटी हुई है। 8 सदस्य जाँच टीम ने अब तक अपनी फाइंडिंग पूरी तो नहीं की है, लेकिन पड़ताल के दौरान जो बातें सामने आई है वह बेहद चौंकाने वाली है। बिहार में डॉक्टरों और मेडिकल कर्मियों की मौत कोरोना वायरस से होने के पीछे सबसे बड़ी वजह सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों को दिए गए खराब क्वालिटी के पीपीई किट और मास्क रहे हैं। आईएमए सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच पूरी होने के बाद फाइनल रिपोर्ट जारी की जाएगी। बिहार में डॉक्टरों की मौत के कारण जानने के लिए आईएमए ने एक टीम बनाई थी। इस टीम में आईएमए के चेयरमैन डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह के अलावे डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर बीएस सिंह, डॉक्टर मंजू गीता मिश्रा, डॉक्टर बसंत सिंह, डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर राजीव रंजन और डॉक्टर सुनील कुमार शामिल हैं। इस जांच टीम ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जांच टीम के मुताबिक डॉक्टरों को सरकार की तरफ से दिए गए पीपीई किट और मास्क की क्वालिटी पर सवाल खड़े किए गए हैं। इसके अलावा डॉक्टरों को गंभीर हालत में इलाज के लिए बेड और ऑक्सीजन नहीं मुहैया होने पर चिंता भी जताई गई है। साथ ही साथ दूसरी लहर में डॉक्टरों ने लापरवाही और मनमाने तरीके से काम किया है, यह भी मौत की एक बड़ी वजह है। की छुट्टियों के बाद ऑफलाइन मोड में खुलेंगे स्कूल, 50% अटेंडेंस की लिमिट भी होगी खत्म। कोरोना जैसी महामारी की वजह से बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हुई। लगभग 2.5 साल से जूनियर सेक्शन के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। हाल ही के दिनों में ऑफलाइन मोड में स्कूल खुले तो सिर्फ तीसरे लहर की आशंका से डरे अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, लेकिन अब दीपावली और छठ की छुट्टियों के बाद राजधानी पटना समेत बिहार के ज्यादातर स्कूलों में जूनियर क्लासेस ऑफलाइन मोड में देखने को मिलेगा। छठ की छुट्टियों के बाद अब जब स्कूल खुलेंगे तो 50% अटेंडेंस की बाध्यता भी खत्म कर दी जाएगी। एलकेजी और यूकेजी की पढ़ाई अब कोरोना महामारी के बाद शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अब प्री प्राइमरी के बच्चे भी स्कूल जा पाएंगे। पटना के ज्यादातर स्कूलों ने इसकी तैयारी कर ली है। राजधानी के कई बड़े स्कूलों में ऑफलाइन बोर्ड में क्लास शुरू कर दिया गया है। बिहार पुलिस में 1400 पदों पर होगी बंपर बहाली, सरकार का बड़ा फैसला। बिहार सरकार बंपर बहाली लेकर आई है। मिली जानकारी के अनुसार करीब 1400 पदों पर बहाली की जानी है। सूबे के प्रमुख सरकारी अस्पतालों के परिसर में ही अग्निशमन केंद्र यानी कि फायर ब्रिगेड सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ताकि आग लगी या इमरजेंसी की घटना होने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। पहले चरण में राजधानी के 4 सरकारी अस्पतालों का चयन अग्निशमन केंद्र के लिए किया गया है। इसके बाद इसका विस्तार दूसरे सरकारी अस्पतालों के साथ बड़े निजी अस्पतालों में भी किया जाएगा। गृह विभाग ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पटना के न्यू गार्डिनर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस
पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल और दानापुर अनुमंडल अस्पताल में सबसे पहले अग्निशमन केंद्र खोले जाएंगे। इसको लेकर गृह विभाग की पुलिस पदाधिकारियों के साथ कई दौर की बैठक हो चुकी है। भवन या जगह की व्यवस्था अस्पताल की ओर से कराई जाएगी। इसके अलावा अग्निशमन कार्य से संबंधित उपकरण की आपूर्ति बिहार अग्निशमन कार्यालय के द्वारा की जाएगी। बक्सर में वायरल बुखार के तो बिहार शरीफ में डेंगू व चिकनगुनिया के बड़े मरीज, जाने सावधानी व बचाव के उपाय। बिहार के बक्सर जिले में इन दिनों वायरल बुखार के मरीजों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। सदर अस्पताल में प्रतिदिन आने वाले 600 मरीजों में 250 तक की संख्या केवल वायरल बुखार के मरीजों की रह रही है। इन दिनों वायरल बुखार के मरीजों की प्लेटलेट्स भी गिर रहे हैं। वहीं बिहार शरीफ में डेंगू व चिकनगुनिया के मरीज अधिक मिल रहे हैं। बदलते मौसम में वायरल फीवर से लेकर डेंगू व चिकनगुनिया के मरीज चिन्हित होने लगे हैं। इस मौसम में सभी लोगों को इन बीमारियों के प्रति हमेशा सजग रहने की जरूरत है। जरा सी लापरवाही बरती गई तो सेहत खतरे में पड़ सकती है। मौसम परिवर्तन होने पर लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे एक साथ कई बीमारियां शरीर में प्रवेश कर जाती है। पटना के बाद दरभंगा बना बिहार का दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन हब। 10 जिलों में 57% उच्च शिक्षण संस्थान। ऑल इंडिया हायर एजुकेशन की हालिया एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में शिक्षण संस्थाओं की असल संख्या 916 हो गई है। हालांकि इनमें से 57% उच्च शिक्षण संस्थान केवल 10 जिलों में है। यही नहीं, प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकित होने वाले करीब 16 लाख विद्यार्थियों में 69% नामांकन केवल 12 जिलों के उच्च शिक्षण संस्थानों में हुए हैं। इस तरह उच्च शिक्षा के अवसर कुछ ही शहरों एवं जिलों में सिमटते जा रहे हैं। शैक्षणिक सत्र 2019-20 के डाटा पर आधारित यह रिपोर्ट से साफ है कि कम शिक्षण संस्थानों वाले जिलों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए अपने शहर या जिले से बाहर जाना पड़ रहा है। वहीं कुछ जिलों के शिक्षण संस्थानों में उनकी क्षमता कई गुना अधिक विद्यार्थियों का दबाव है, जहां प्रति शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों की संख्या 3 से 4 हजार के बीच तक है, जो राष्ट्रीय अनुपात से करीब 2 गुना अधिक है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।